स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्नट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 50%। तो जो कार्नट इंजन होता है उसका एफिशिएंसी होता है ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो यहाँ पर T2 का वैल्यू दिया हुआ है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 का वैल्यू कितना है 7 डिग्री, बट डिग्री में नहीं लिखेंगे, सेंटीग्रेड में नहीं लिखेंगे, +273 करेंगे, तो ये आ जाएगा 280 केल्विन। ठीक है, ईटा का वैल्यू यहाँ पे है 50%, मतलब 0.5। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करो तो 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1, तो ये आ जाएगा 280 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो दिस विल बी 0.5। तो T1 इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर हम इसको सॉल्व करें, 280 बटा 5 0.5, तो डबल हो जाएगा, 1 बाई 2 करके इसको 2 ऊपर भेज देंगे, 8 8 16 2 2 4 1 5, 560 केल्विन। तो जो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उसका 560 केल्विन टेम्परेचर अभी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो 70% हो। तो इसके लिए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो भी टेम्परेचर शुरू में है, जो कि 560 केल्विन है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, और कितना चेंज करना पड़ेगा देखते हैं। नाउ हम चाहते हैं कि जो मेरा एफिशिएंसी है वो 70% हो जाए, तो ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1 डैश। तो 0.7 इक्वल्स टू 1 माइनस, ये कितना था, 280 T1 डैश, यहाँ से 280 अपॉन T1 डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7, सो 280 अपॉन T1 डैश इज इक्वल टू 0.3, सो T1 डैश इज इक्वल टू 280 बाई 0.3, तो इसको डेसिमल हटा के 10 कर देंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 9 27, तो ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा, 280 बाई 3 करोगे तो 280 डिवाइडेड बाई 3, 93.33, इंटू 10 भी है तो ये आ जाएगा 933, तो 93.33 इंटू 10, तो 933.3 केल्विन। तो ये आ गया फाइनल, जो टेम्परेचर हमको 560 था उसको हम अगर 933 केल्विन कर देंगे तो मेरा एफिशिएंसी 50% से 70% हो जाएगा। लेकिन बोला था कितना से बढ़ाना है, बाय हाउ मच, तो इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा डेल्टा टी, जो हो जाएगा T1 डैश माइनस T1, तो 933 केल्विन माइनस 560 केल्विन, तो 933 केल्विन माइनस 560, तो यह आ जाएगा 373 के आसपास, 373 केल्विन। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।